दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर खुद देखिए। इस न्यूज़ में दुर्गा पूजा मनाया तो छोड़ेंगे नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम धमका रहे कट्टरपंथी। जी हां दोस्तों, हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथी समूह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। कई छात्र संगठन देश में इस्लामिक कानून वाले शासन की मांग कर रहे हैं। अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर भी धमकी दी जा रही है। दुर्गा पूजा के विरोध पर आपत्ति जताने पर हिंदू शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया है। और यही नहीं, कट्टरपंथी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने दुर्गा पूजा मनाने के लिए ज़रूरत की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। विरोध करने वालों को बांग्लादेश छोड़कर जाने की सलाह भी दी जा रही है। आपको बता दें, कट्टरपंथी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो दुर्गा पूजा की तैयारियों में लगे हैं। वहीं खुलेआम लोगों को धमकी दी जा रही है। धमकी भरी चिट्ठी भी वायरल हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में खुलना के डकौप में स्थित कई मंदिरों को हाल ही में गुमनाम धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इन चिट्ठियों में मांग की गई है कि मंदिर प्रबंधक 5 लाख टका का टोल चुकाएं, नहीं तो उन्हें दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये चिट्ठी दुर्गा पूजा आयोजन समितियों के नेताओं को भेजी गई थी और उनमें चेतावनी दी गई थी कि अगर वे मांगे पूरी नहीं करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है, अगर आप 2024 में दुर्गा पूजा करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख टका का भुगतान करना होगा, नहीं तो आपको किसी भी तरह की पूजा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह भी धमकी दी गई कि अगर इस चिट्ठी को अधिकारियों या मीडिया के साथ साझा किया गया तो जिम्मेदार व्यक्ति टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे।